नमस्कार दोस्तों, मैं सरविंद जांगिड। दोस्तों, बैंकॉक करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले दोस्तों हमने अलजेब्रा पढ़ा था, उससे पहले हमने मेंसुरेशन 2D 3D, उससे पहले ज्योमेट्री है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसे हमने बाकी टॉपिक पढ़े हैं, हम वैसे ही पढ़ेंगे इसको। बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके ऊपर हम एग्जांपल सोल्व करेंगे, और लास्ट में हम जो भी एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सोल्व करेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसे हो, कॉन्सेप्ट ऐसे हो जो आपको आते हों, तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम तो है पढ़ाना। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ाएंगे, और कुछ अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति है वो एक ग्रीक शब्द है, ट्रिगोनोन, इससे और मेट्रोन। त्रिकोणमिति है वो ग्रीक जो एक वर्ड है, हालांकि आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोनोन और मेट्रोन इससे मिलकर बना है। ट्रिगोनोन का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है ट्राइंगल, इसका मतलब होता है ट्राइंगल, और इसका मतलब होता है, मेट्रोन का मतलब होता है टू मेजर यानी मापना, इसका मतलब होता है टू मेजर मापना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि त्रिकोण यानी त्रिभुज है, या फिर त्रिभुज के तीन कोण हैं उनको मेजर करना, उनको मापना। त्रिकोणमिति के अंदर सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि जो ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल है उसके जो कोण हैं उनको मेजर किया जाता है, उनको मापा जाता है। तो इसका मतलब तो होता है टू मेजर यानी मापना, और किसको मापना, ट्राइंगल को। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो इन दो से मिलकर बना है, इसका मतलब तो ट्राइंगल है, इसका मतलब है टू मेजर यानी मापना। इसको अगर हम सही भाषा में लिखें तो इसके जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री इट इज, हालांकि आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग, इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग साइड्स एंड एंगल्स है ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एक त्रिभुज के जो कोण होती है, जो भुजाएं होती है, उनका क्या है, अध्ययन है। इनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसका क्या है, अध्ययन है। त्रिभुज के जो कोण है, साइड है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और यहाँ पर जो ट्राइंगल की बात की गई है, इसमें जो ट्राइंगल की बात की गई है, ये ट्राइंगल कौन सा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो ट्राइंगल पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, यानी समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ट्राइंगल की बात की गई है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी त्रिकोणमिति के अंदर हम जो ट्राइंगल पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, बेसिक चीज़ आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ये आपसे कभी नहीं पूछेंगे, बस वैसे नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो ये होती ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या बताया इसने कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमेशा किसकी बात की जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, इसमें हमेशा एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर मान लीजिए आपको जो ट्राइंगल दे रखा है उसमें 90 डिग्री नहीं है, आपको कोई ऐसा ट्राइंगल दे दे वो राइट एंगल नहीं है, तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी तब उसमें बताया था कि ज्योमेट्री में आप क्या कर सकते हो, कभी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और परपेंडिकुलर डाल सकते हो। हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए 90 डिग्री हमें एंगल चाहिए 90 डिग्री। तो क्या करेंगे हम,
हम इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अब बताइए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ये बन गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। अगर हमें समकोण त्रिभुज नहीं दे रखा है तो ऐसे हम परपेंडिकुलर डाल के भी समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत हमें बहुत ही कम पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये तो थी बेसिक जानकारी इसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम इसको शुरू करते हैं टॉपिक को। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमने मैंने बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे इसके अंदर हम। तो सबसे बेसिक जानकारी देख लेते हैं इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो यहां पर सी पर क्या है, राइट एंगल है, एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड होगी उसको क्या नाम देते हैं, ये यहां पर हो जाएगी स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट स्मॉल सी है। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ नाम होते हैं, जैसे एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है हाइपोटेनस जिसे हिंदी बोलते हैं कर्ण। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर जो तीन साइड होती है उनको नाम दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है और एंगल है उनका आपस में क्या है रिलेशनशिप है, उसी के अध्ययन को कहते हैं। तो इसमें तीन एंगल है और तीन साइड है, तो तीन साइड के नाम है, एक तो होता है हाइपोटेनस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। तो इसमें हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस होता है, या क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको ये एंगल दे रखा है थीटा, अगर आपको ये एंगल दे रखा है थीटा दे रखा है, तो एंगल के सामने हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, जिसे हिंदी बोलते हैं लंब बोलते हैं। जो एंगल आपको पूछा है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी, देखो राइट एंगल समकोण के जो ऑपोजिट साइड है वो तो हमेशा क्या होगी हाइपोटेनस होगी, कर्ण होगी। हो सकता है ये चीजें आपको पता भी हो लेकिन आपका थोड़ा रिविजन हो जाएगा, और जिसको नहीं पता है वो तो उनके लिए अच्छा है। और जो एंगल आपसे पूछा है जैसे थीटा है, तो थीटा के ऑपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। जो थर्ड साइड है वो क्या होगी बेस होगी, जो तीसरी साइड बची है वो क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधार, हिंदी में जिसे बोलते हैं आधार। अगर मान लीजिए इसी के अंदर दूसरा ट्राइंगल बनाइए, ए बी सी सेम ऐसा ही है, और ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी है, ये क्या है 90 डिग्री है। लेकिन इस बार क्या है, जो एंगल है थीटा वो यहाँ पर है, इस बार जो एंगल थीटा है वो पहले यहाँ पर बी के ऊपर था, अब जो एंगल थीटा है वो क्या ए के ऊपर है, तो ये तो हमेशा क्या होगा हाइपोटेनस होगा, ये तो हमेशा क्या होगा हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, ठीक है। इस बार एंगल कौन सा है थीटा, तो थीटा के सामने क्या है परपेंडिकुलर, इस बार जो इस परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें ए हो जाएगा, इस बार इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और जो थर्ड साइड बचेगी ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगा इसमें बेस। तो आपको रटना नहीं है कि हमेशा बेस ये होगा, नहीं, जो एंगल आपको पूछा है तो उसके ऑपोजिट जो साइड है वो तो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, और जो तीसरी साइड बचेगी वो क्या कहलाएगी बेस कहलाएगी आधार कहलाएगी। ये बेसिक से जानकारी थी, हो सकता है आपको पता भी हो, इसको एक बार आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एसएससी ने पिछले 2-3 सालों में खूब प्रश्न पूछे, इस बेसिक जानकारी के ऊपर एसएससी ने पिछले कुछ सालों में बहुत प्रश्न पूछे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, ये एंगल ए बी और सी है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, ये एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल बी हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा एंगल ए हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं परपेंडिकुलर, यहां पर बेस और यहां पर हाइपोटेनस।
फोर एंगल, फोर एंगल, यहां पर एंगल ए के लिए और यहां पर एंगल बी के लिए। ये थोड़ा सा इधर लिख देते, परपेंडिकुलर ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अब देखिए आप इसके अंदर फोर एंगल ए, तो एंगल ए के लिए है, तो एंगल ए के लिए इसके जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगी, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर एंगल ए के लिए बात करें, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जिस एंगल से आपसे पूछा, जिसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है उसके जो ऑपोजिट साइड है, तो फोर एंगल ए, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, स्मॉल ए, ये हो जाएगी स्मॉल ए, ठीक है। फिर बात करते हैं बेस है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है सी, तो इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो बची क्या, बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा, किसके लिए, एंगल ए के लिए। एंगल बी के लिए बात करते हैं, तो एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाएगी, उसका एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड होगी वो कहलाएगी इसका परपेंडिकुलर बी। हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने का, तो बचा क्या फिर इसमें, ए बचा, वो क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। अगर ये हाइपोटेनस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या बचा, बेस बचा, किसके लिए, एंगल बी के लिए। तो आपको रटना नहीं है, ऐसे आपको समझना है इसके अंदर, और इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी जब हम एग्जांपल करेंगे इसके अंदर। जैसे चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ, अगर इसको नोट डाउन करना चाहो तो। ये बेसिक से जानकारी थी इसकी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, इसके अंदर बेस क्या होता है। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फलन, या फिर इसे रेशो भी बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमितीय फलन, इसे बोला जाता है। ये छह होते हैं त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन है, ये छह होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हमारे जो टॉपिक है वो शुरू हो चुका है, अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, बेसिक से जानकारी है, और उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जब हम एग्जांपल सोल्व करेंगे। अब हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ये छह प्रकार के होते हैं, एक होता है साइन और इसका उल्टा, ये ऐसे साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। एक फलन होता है कोस, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। ये जो डबल एरो वाला साइन आपको दिख रहा है, देखो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, कैसे मैं आपको समझा दूंगा। फिर आता कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस है। फिर इसमें तीसरा आता टेन, तो टेन का उल्टा रिवर्स हो जाएगा कोट, और कोट का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, टेन होता है। ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें आगे डिग्री जुड़ता है, एंगल जुड़ता है, जैसे साइन थीटा तो इसे कोसेक थीटा हो जाएगा, इधर कोस ए डिग्री है तो सेक ए डिग्री हो जाएगा, इधर टेन 50 डिग्री है तो कोट 50 डिग्री हो जाएगा। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये साइन और कोसेक, कोस सेक टेन कोट, इसको लिखकर आप एक दो बार याद करो। अगर आपको अभी याद नहीं हो रहे हैं तो आप इनको नोट डाउन कर ले, और जब जब आपको प्रश्न सोल्व करने की जरूरत हो, जहाँ पर आपको याद नहीं आ रहे हो, तो आप इनको देख कर याद करें, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे साइन है, तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, वन अपॉन कोसेक, ठीक है। इसी में बात करें जैसे, फिर कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक का उल्टा होता है साइन। एंगल इसमें इक्वल रखना है, एंगल इसमें क्या रखना है, इक्वल रखना है। जैसे बात करते हैं कोसेक, कोसेक ए, तो इसका उल्टा क्या होगा, साइन ए होगा। यहां पर जो एंगल होगा वहां सेम एंगल होना चाहिए, यहां पर अगर एंगल ए है तो यहां पर भी एंगल ए होना चाहिए। अगर इसमें बात करते हैं जैसे साइन 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो इसका जो उल्टा होगा ना वो क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो कोसेक में भी एंगल सेम होना चाहिए, 40 डिग्री है तो 40 डिग्री ही होना चाहिए, आप एंगल चेंज नहीं कर सकते। इनके अंदर जो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए।
ये बेसिक सी चीज़ है, हो सकता है आपको पता भी हो, आप इंटेलिजेंट होंगे पहले से ही, तो आप इसको नोट डाउन कर ले कि ये उनके रिवर्स होते हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। बाकी हम बाद में इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि साइन का उल्टा ये होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का होता है कोट। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इनको नोट डाउन कर लें एक बार। हैं, अब मैं यहां पर बात करता हूं इसमें, जैसे और जैसे कोस है, तो कोस ए है, डिग्री है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक ए डिग्री हो जाएगा। सेक एक्स है, डिग्री है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कोस। और डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक्स डिग्री ही होगा। अगर ये एक्स है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल ए होगा। और कोस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। जैसे टेन 70 डिग्री है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, कोट होता है, 1/cot। एंगल यहाँ पर 70, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 70 ही होना चाहिए। फिर बात करते हैं, जैसे कोट वाई डिग्री है, तो कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है, तो 1/10 वाई डिग्री। एंगल सेम होगा इसके अंदर, एंगल चेंज नहीं कर सकते आप। तो ये होगी इसकी बेसिक सी जानकारी इसकी। तो इसमें 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन कोस टेन, और इनके रिवर्स क्या होते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक। आप साथ साथ रिवाइज करते रहे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का होता है सेक, और टेन का होता है कोट होता है। अब इनका मान कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, आपने बहुत पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का। जो हिंदी मीडियम से है तो उन्होंने ये पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का, और जो इंग्लिश मीडियम से है उन्होंने पढ़ा होगा, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोले। ये क्या है, देखो यहाँ पर पी का तो मतलब है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस, और ये बेस है। यहाँ पर इसका मतलब होता है लंब, आधार लंब, और के का मतलब कर्ण, कर्ण और आधार है, ये है। और अभी हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है वो कितने 6 हैं, टोटल कितने फंक्शन है, 6 हैं। तो यहाँ पर भी टोटल कितने, 6 ही हैं। यहाँ पर भी टोटल कितने, ऊपर 3 नीचे, टोटल कितने, 6 हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये पहले वाली जो लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है साइन को, ये वाली जो लाइन है दूसरी ये रिप्रेजेंट करती है कोस को, और तीसरी जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो करती है टेन को। ये नीचे वाली साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये कोसेक को रिप्रेजेंट करती है, कैसे हम आगे देखेंगे। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, कोट होता है। यहां से हम बात करें तो पहली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, साइन को, ये किसको करेगी, कोस को। ये सेम ही चीज है, बस ये इंग्लिश में लिख रखा है, ये हिंदी में लिख रखा है। यहां पर क्या है, ये लंब है, आधार है, ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, बात एक ही है, बस ये हिंदी और इंग्लिश में है। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। सॉरी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, यहां से अगर हम इसमें लिखना चाहिए तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये पहली लाइन साइन की हो जाएगी, ये पहली जो लाइन है वो किसकी हो जाएगी, साइन की। दूसरी जो लाइन है वो किसकी हो जाएगी, कोस की। और तीसरी हो जाएगी टेन की। साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे इसका जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा, साइन बराबर क्या होता है, हिंदी में बात करें तो लंब बटे कर्ण, अगर इंग्लिश में बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। कोस बराबर क्या हो जाएगा, कोस बराबर यहां से देखो आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए बट्टे के, ये हिंदी में, और इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनस है। फिर बात करते हैं टेन, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में है बेस है। साइन बराबर ये है या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस चला जाएगा ऊपर और परपेंडिकुलर आ जाएगा नीचे। सेक बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस चला जाएगा ऊपर, बेस आ जाएगा नीचे।
कोट बराबर क्या होगा, बेस चला जाएगा ऊपर, परपेंडिकुलर आ जाएगा नीचे, यानी आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं के अपॉन एल है, के अपॉन ए है और ए अपॉन एल है। तो यहाँ से आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, यानी कर्ण बट्टे लंब या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप वहाँ से लिखते थे के अपॉन एल है और यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन, तो सेक की बात करते हैं, सेक बराबर यहाँ से आ जाएगा कर्ण बट्टे आधार और यहाँ से हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर बात करते हैं कोट, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इन सबको जो छह ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है, आप इनमें से जो भी लिखना चाहिए हिंदी में इंग्लिश में आप लिख लो, ऐसे ऐसे आप लिखो, ऐसे ही यहाँ से आपको याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इनको आप लिख लो, हो सकता है आपको याद भी हो, नहीं याद हो तो आप ऐसे बनाओ इसको, फिर यहाँ पर वैल्यू लिख लो इसको, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, और फिर हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का होता है सेक होता है, टेन का क्या होता है कोट होता है, ये इधर लंब आधार लंब है, कर्ण है, ये पी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है। तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण है, कोस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण है, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार है, और फिर ये कोसेक सेक कोट क्या हो जाते हैं, इनके रिवर्स हो जाते हैं। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, और पंडित, ये मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर आप यहां से देखकर लिख लेना है, ये साइन का हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस का, और ये हो जाएगा टेन का, ये हो जाएगा इसका रिवर्स कोसेक, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोट का, यानी लंब बट्टे कर्ण है वो आधार बट्टे कर्ण है, वो लंब बट्टे आधार है। अब हम एग्जांपल करते हैं, जैसे आपको प्रश्न दिया है ये एंगल ए बी और सी है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है। तो अब आपको वैल्यू निकालनी है कि साइन बी बराबर क्या होगा, आपको वैल्यू निकालनी है कोस बी बराबर क्या होगा, आपको वैल्यू निकालनी है कि सेक बी बराबर क्या होगा, आपको वैल्यू निकालनी है कि कोसेक बी बराबर क्या होगा, आपको वैल्यू निकालनी है कि कोट बी बराबर क्या होगा, टेन बी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम एंगल बी के लिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगल बी के लिए, फिर बाद में हम एंगल ए के लिए करेंगे इसमें। तो देखो एंगल बी के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, एंगल बी के लिए, तो एंगल बी के जो ऑपोजिट होगी वो तो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, ये तो क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये क्या होता है हाइपोटेनस, और जो तीसरी साइड हमारी जो बचेगी वो क्या बचेगी, बेस बचेगी, वो क्या बचेगी, बेस बचेगी। तो इसमें ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा इसका बेस, और ये एंगल के ऑपोजिट है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब बात करते हैं साइन बी, तो यानी एंगल बी के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, वो आप लिख लीजिए। ये सबसे पहले हमने यही सीखा था कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। साइन की बात करते हैं, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण है, इसका परपेंडिकुलर क्या है बी के लिए, बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, इसका सी है, यानी लंब बट्टे कर्ण इसका हो जाएगा, साइन बी बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। कोस बी के लिए, कोस बी का मतलब क्या होता है, देखो कोस, कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो बी के लिए, अभी हम बी के लिए बात करें, इसका बेस कितना ए है, हाइपोटेनस यानी कर्ण इसका कितना है, कर्ण, तो इसमें 90 डिग्री सामने सी ही रहेगा। फिर बात करते हैं सेक बी, सेक का मतलब क्या होता है, देखो सेक ये नीचे वाला रहा, सेक का मतलब होता है एच बट्टे बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है इसका सी अपॉन बेस, इसका बेस कितना ए, और आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये इसका रिवर्स ही होता है, ये ए बटा सी है तो सी बटा ए हो जाएगा।
ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते, रिवर्स है। अगर इसका मान a बटा सी है तो इसका मान हो जाएगा c बटे a। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको रटना नहीं है, समझना है, एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर b है तो एंगल यहाँ पर b होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर cos b है, यहाँ पर sec a है, फिर रिवर्स नहीं होगा। एंगल इक्वल होगा तभी रिवर्स होगा। कोसेक बी की बात करते हैं, कोसेक कहाँ पर है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, कोसेक यहाँ पर है। तो एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस इसके लिए क्या है, इसमें सी है, और पी क्या परपेंडिकुलर बी है। तो देखिए साइन बी का मान था बी बटे सी, और कोसेक बी का मान आ जाएगा सी बटे बी, यानी इसका रिवर्स हो गया, एंगल इक्वल है इसलिए हो गया। अगर एंगल इक्वल नहीं होता तो नहीं होता, ये बी बटे सी है, ये हो जाएगा सी बटे बी है। फिर बात करते हैं कोट बी, कोट कोट यहाँ पर है, बी अपॉन पी यानी आधार बटे लंब, आधार कितना है इसमें ए, अपॉन लंब कितना है इसमें बी, टेन बी, टेन बराबर क्या इतना होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है बी है, और बेस कितना है इसमें ए। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लिया, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो, और जैसे मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप ऐसे लिख लो इसको, ऐसे आप लिख लो इसको, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप ऐसे लिख कर इसको कर लो, कुछ एग्जांपल करोगे तो फिर आपको याद हो जाएंगे। देखिए बेसिक सी चीजें हैं, और तो पूरा टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके ऊपर प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। देखो एंगल बी के रिस्पेक्ट में आपसे बात की थी, सॉरी एंगल जो बी है इसके रिस्पेक्ट में आपसे बात पूछा गया था, तो जो एंगल देखो 90 डिग्री सामने तो क्या होगा हाइपोटेनस होगा, ये तो क्या होगा हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। जिस एंगल के हिसाब से पूछा वो हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और तीसरी साइड हमारी क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो जैसे साइन है तो साइन बराबर होता है लंब बटे करण होता है, तो इसमें लंब कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी आ जाएगा, ऐसे ऐसे में सारी वैल्यू हमें लिखनी है इसमें। फिर हम जैसे कुछ और एग्जांपल करते हैं इसमें अगर इसी में आप, मैंने अभी जो आपको एग्जांपल करवाया ना, तो आप यहाँ पर एंगल ए के लिए भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहो तो। जैसे एंगल ए के लिए साइन ए क्या होगा, साइन बी क्या होगा, सॉरी साइन ए क्या होगा, कोसेक ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, कोट ए क्या होगा, एंगल ए के लिए भी आप निकाल सकते हैं। अब हम एग्जांपल करते हैं, हमें जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री है, ये ए बी और सी है हमें दे रखा है, इसमें ये कितना है तीन है, ये कितना है चार है, ये कितना है पाँच है, और हमसे पूछा है कि साइन बी बराबर क्या होगा, कोसेक ए बराबर क्या होगा, और टेन बी बराबर क्या होगा। अगर आपने ये निकाल लिया तो आप ये समझो कि आपको याद हो गया। अगर आपने इनके आंसर दे दिए ना, अगर आपने इनके आंसर दे दिए तो आप ये समझो कि आपको ये याद हो गई चीजें। अगर आपने इनके आंसर दे दिए तो ये समझो कि आपको ये बातें सारी याद हो गई हैं। आप इनके आंसर दीजिए इसमें क्या क्या आएगा। आपको प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसकी साइड तीन है, ये इसकी साइड चार है, ये इसकी साइड क्या है पाँच है। तो सबसे पहले कि इसमें 90 डिग्री सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री सामने इसमें क्या होता है हाइपोटेनस होता है कर्ण होता है, 90 डिग्री सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है कर्ण होता है, तो ये इसके अंदर क्या होगा हमेशा एच होगा। फिर बात करते हैं बेस व परपेंडिकुलर, तो बेस व परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है, किस एंगल के सापेक्ष आपसे पूछा गया है। एंगल बी के लिए पूछा गया है, एंगल ए के लिए पूछा गया है। अब आपको रटना नहीं है, समझना इसको, ये तो हमेशा क्या होगा कर्ण होगा हाइपोटेनस होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको, सबसे पहले बात करते हैं साइन बी निकालना है, साइन बी क्या निकालना है साइन बी, तो साइन बराबर क्या होता है, अगर आपको पता है याद है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो वहाँ से देख लो। साइन बराबर क्या होता है पी बट्टे एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन बराबर होता है पी बट्टे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एच, यानी मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, लंब चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो बताओ कि इसमें एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए हाइपोटेनस क्या हो, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा थ्री होगा, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर यानी एंगल के ओपोजिट, तो ये हो जाएगा थ्री, इसका हाइपोटेनस क्या होगा हाइपोटेनस में होगा फाइव। फिर बात करते हैं कोसेक ए, कोसेक ए कोसेक कोसेक बराबर क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर,
कोसेक बराबर होता है हाइपोटेनस यानी एच अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसका उल्टा ही तो होता है भाई, ये पी अपॉन एच है तो एच अपॉन पी हो जाएगा, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पर एंगल ए है, रटना नहीं है, मैंने आपको बताया था कि एंगल समान होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कोसेक ए है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बताओ हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने, तो ये तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर बात करते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको लिखा है, परपेंडिकुलर होता है जो एंगल आपसे पूछा गया है उसके ऑपोजिट साइड, एंगल कौन सा पूछा गया है, एंगल पूछा ए पूछा गया है, तो एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड होगी वो कितनी है, 4 है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कोसेक ए का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5/4, यानी इसका कर्ण हाइपोटेनस 5 है और एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड है 4 वो क्या हो जाएगी, इसका परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी। टेन बी की बात करते हैं तो टेन बराबर क्या होता है, पी बट्टे बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बट्टे आधार, तो एंगल बी के लिए लंब क्या है, एंगल बी के लिए लंब यानी इसके ऑपोजिट 3 और इसके लिए बेस क्या है, ये 4, क्योंकि बेस क्या होती है, तीसरी साइड होती है, कर्ण को छोड़ दो परपेंडिकुलर को छोड़ दो, जो शेष बची साइड है वो क्या हो जाती है, आपको रटना नहीं इसमें कौन सी क्या होगी, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे वैसे आप लिख लो, अगर आपको ये चीज़ें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप वहाँ से ऐसे देख कर कर लो इसको साथ साथ, मैंने वहाँ पर इसको अलग से लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है ताकि आप, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर कर ऐसे लिख सकते हो। तो टेन बराबर तो मैंने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो परपेंडिकुलर बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट 3 और ये हो जाएगी 4 है। कोस ए बताओ, कोस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस है, कोस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण है, तो इसका आधार क्या होगा, ए के लिए, ए के लिए ए के ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, ए के ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब है, ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो इसका आधार क्या बचेगा, 3 बचेगा, आधार क्या बचेगा, 3 और कर्ण हमेशा क्या होता है, 5 होता है। सेक बी की बात करते हैं, सेक बी, सेक कहाँ, यहाँ पर ये रहा हाइपोटेनस अपॉन, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कोस का उल्टा तो होता है, कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, बस फर्क ये है कि एंगल किसके लिए पूछा है, एंगल बी के लिए पूछा है, तो एंगल बी यहाँ पर ये रहा, तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा क्या है इसमें 5 है, 90 डिग्री सामने। फिर बात करते हैं बेस है, तो बी के लिए, बी के ऑपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर है, बी के ऑपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5/4 ये आ जाएगा। फिर बात करते हैं कोट ए, कोट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट ए के लिए बात करते हैं, तो कोट ए की बात करते हैं, कोट ए के जो ऑपोजिट साइड होगी, ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ये क्या बचेगी, इसका बेस बचेगी, तो 3/4, क्योंकि ए के जो ऑपोजिट साइड है वो क्या बन जाएगी, इसका परपेंडिकुलर बन जाएगी, तो पी का मान कितना होगा, 4 है, ये तो क्या ऑलरेडी हाइपोटेनस, तो क्या बचेगा इसमें 3 है। कोट बी के लिए, तो एंगल बी, कोट बी, कोट बी के जो ऑपोजिट साइड है, यहाँ पर सबसे पहले कोट के लिए क्या आएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, बेस आएगा कोट बी, तो कोट बी के ऑपोजिट साइड है तो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर है, तो ये बन जाएगा इसका बेस और ये 3। देखो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस करो इसकी, मैं आपको और प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी थी शुरुआत में कि परपेंडिकुलर क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हो ना और आपने चीज़ों को याद किया, नोट डाउन किया है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो आपको इसमें रटना नहीं है, देखिए इसमें आप एक चीज देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए मैं तो यहां पर लिखता हूं एंगल बी के लिए, तो एंगल बी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस है, तो इसमें हाइपोटेनस तो, और ये फिर क्या है एंगल ए के लिए, एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल ए के लिए, और यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, ये एंगल ए बी के लिए और एंगल ए के लिए, ठीक है। तो एंगल बी के लिए बात करते हैं, तो एंगल बी है, तो एंगल बी के ऑपोजिट क्या है इसमें, 3 है, तो इसका एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस क्या, 5 है, तो चौथी क्या बची, बेस बची। एंगल ए, एंगल ए के, एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है, एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है वो इसका परपेंडिकुलर है, 4 है, और ये क्या है, 5 है, ये क्या है, 3 है।
साइन बी है तो बी के लिए क्या परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के इसमें 3 हाइपोटेनस के इसमें 5 है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिखकर मैच कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में आपको ये इसलिए लिखवाया था इसमें कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, बेहतर ये है कि ऐसे ना लिखकर आप ऐसे डायरेक्ट देखें बी के ऑपोजिट वाली परपेंडिकुलर है, 90 वाली क्या होती है करण होती है, और उससे आप करोगे तो बेहतर कर पाओगे आप अच्छे से। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। जैसे इसमें हर बार आपको वैल्यू मिलेगी नहीं, जैसे आपको दे रखा है, जैसे पर्सन लिखता हूं इसमें, एक एग्जांपल वैसे करवा देता हूं, फिर अगला पर्सन लिखूंगा मैं। जैसे ये ए बी और सी है, और इसमें आपको दे रखा है ये साइड इसकी 5 है, ये 12 है और ये 13 है। तो आप मेरे को इसमें बताइए कि साइन बी बराबर क्या होगा, टेन बी बराबर क्या होगा, और सेक बी बराबर, बस आप मेरे को ये 3 बता दो, सेक बी बराबर क्या होगा। अगर आपने इन तीनों के मान निकाल लिए ना, तो फिर आप ये समझिए कि आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं। आप तीनों के मान अगर आपने निकाल लिए तो ये समझो कि आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं। और आपको अगर वो याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे लिख लो वो, अगर आपको वो याद नहीं हो रहा है तो ऐसे लिख लो आप, या लाल बट्टे कक्का हिंदी में लिखना चाहो तो, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, या फिर लाल बट्टे कक्का, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसे ही लिखकर याद होंगे। ये साइन है, कोस है और टेन है, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसका रिवर्स क्या होता है, कोट होता है। तो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो इसको, एक बार ऐसे लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो फिर आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल बी के लिए, तो एंगल बी यहाँ पर रहा, तो एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड है ये तो इसका हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये चीज़ तो हमने सीखी थी, ये तो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ये हमेशा क्या होती है हाइपोटेनस होती है, तो ये क्या बन जाएगा इसका बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो आप हिंदी में लिखना चाहो तो इसको हिंदी में लिख सकते हो, साइन बी, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे करण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लंब बटे करण है। तो बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री के ओ एंगल के सामने, एंगल के सामने, एंगल बी के सामने क्या है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा 13। टेन बी है, टेन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस है, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है। तो बी के लिए लंब कितना है परपेंडिकुलर 12 है, और इसका बेस कौन सा है, बेस इसका 5 है। सेक बी, सेक सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपन बेस होता है, यानी एच अपॉन बी, तो एंगल इसमें एच हमेशा क्या है इसमें 13 है, तो बी सेक एंगल बी के लिए बेस क्या है इसमें 5 है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर ये तो मैं आपको समझाने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको देगा, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसी वैल्यू दे। अब हम क्या कि इसका पैटर्न चेंज करेंगे पर्सन का, ये तो मैं आपको समझाने के लिए आपको याद करवाने के लिए बता रहा था कि आप याद हो जाए आपको साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, कैसे कैसे परपेंडिकुलर निकालते हैं कैसे क्या, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाइपोटेनस एच हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल आपसे पूछा गया है, जो एंगल आपसे पूछा गया है, एंगल आस्क्ड, जो एंगल आपसे पूछा गया है उसके ऑपोजिट होगी। और जो बेस होता है वो क्या होती है थर्ड साइड होती है, तीसरी जो साइड बचेगी वो क्या है थर्ड साइड, तीसरी जो साइड बचेगी वो क्या है आपकी बेस है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। अब ये थी देखो बेसिक सी जानकारी इसकी, अब हम इसमें पर्सन करते हैं, हमारे पास पर्सन आएंगे कैसे, पर्सन ऐसे आएगा इसमें कि जैसे टेन थीटा बराबर है 7/24 फाइंड साइन थीटा सेक थीटा, बस ये दो ही निकालो। आपको दे रखा है टेन थीटा बराबर है 7/24 तो फाइंड साइन थीटा सेक थीटा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कैसे, देखो टेन थीटा बराबर आपको देख रहा है 7/24 है, यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल थीटा है, तो आपको कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें आपको कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा बराबर है 7/4। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 7/24 है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसके अंदर जो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, वो तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसमें परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर इसमें कितना है, 7 है, इसका बेस कितना है, आधार कितना है, 24 है, तो इसमें हाइपोटेनस क्या होगा। अब आपके पास में इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, वो इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो आपको इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे इसमें स्मॉल ए है, ये क्या स्मॉल बी है, ये क्या स्मॉल सी है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर है इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और इसी की सहायता के ऊपर आगे वाले जो प्रश्न है वो हम सोल्व करेंगे। हालांकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मैं आपको डायरेक्ट याद करवा दूंगा, लिखवा दूंगा, ये जो आप देख रहे हैं क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो आपको मैं ये लिखवा भी दूंगा, डायरेक्ट याद आपको हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक दे रखा है इसमें 7 है, दूसरा दे रखा है इसमें 24 है, तो इसमें आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो या तो आप ऐसे याद रखो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सी क्या है, ये 90 डिग्री सामने है, बाकी ये दोनों साइड है, या फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर, 7 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इसको ऐड करोगे तो कितना, 9 और 6 15 बचा कितना 1, 7 और 8 4 12 बचा कितना 1, 5 और 6 625 है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, एच बराबर आपके पास में यानी रूट 625 से किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो एच बराबर आपके पास में आ जाएगा 25/25, यानी इसका जो हाइपोटेनस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये किसके सहायता से हमने किया, ये पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमने इसको निकाला है। हालांकि फिर मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखवा दूंगा तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम है ये कहती है, और इसके आधार पर हमने क्या निकाला, एच का मान निकाल लिया है। तो एक बार आप ना इसको हम बाद में करेंगे, आप एक बार इसको नोट कर लो, अगर मान लीजिए आपको, आप ये नोट कर लो पाइथागोरस थ्योरम में ये होती है ऐसे ऐसे, यहाँ पर अगर वैल्यू दे रखी है ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ये होता है इसका मान, ठीक है। और अगर आपको इस पी का मान अगर 7 दे रखा है, इसका मान अगर आपको 24 दे रखा है, तो आप एच कैसे निकाल सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो यहाँ से एच का मान हो जाएगा। आप एक बार ये वाला उतार लो एक बार, फिर हम बाद में आगे करेंगे इसमें। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, पी का मान 7 आ गया, बी का मान आ गया 24, एच का मान आ गया 25 है। हमसे क्या पूछा, साइन पूछा है, साइन थीटा, एंगल क्या, 1 है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर थीटा, एंगल 1 है, तो अगर एंगल 1 है तो उसके लिए परपेंडिकुलर भी सेम होगा, बेस भी सेम होगा और हाइपोटेनस भी सेम होगा। अगर एंगल सेम है तो सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, तो आपको कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, हाइपोटेनस कितना है, 25 है। बात करते हैं सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, और सेक बराबर क्या होता है, ये उसका कोस का उल्टा होता है, तो
कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका रिवर्स कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया था ना लाल बटे कक्का, वो पंडित बद्री प्रसाद हरिहर ये बोले, वो लिख कर आप कर लो इसमें। उसमें मैंने बताया था ना लाल बट्टे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, तो ये बीच वाली लाइन कौन सी थी, सेक की थी, कर्ण बट्टे आधार, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसमें हाइपोटेनस क्या, इसमें कर्ण कितना है 25 है और बेस कितना है इसका, बेस कितना है इसमें 24 है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, आप इसको नोट डाउन कर लें। पाइथागोरस थ्योरम को हम ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम को जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था ज्योमेट्री में भी और मेंसुरेशन में भी, तो वहां पर भी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। तो अब ना इसको मैं मिटा देता हूं, अब हम पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पढ़ेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसमें जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी और सी है, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और स्मॉल सी है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमारे क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कहता है। यानी कि हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें रिजल्ट सामने आता है। और इसके सहायता से आप इसमें जैसे आंसर निकाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम बात करें, फिर मैं इसके डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको लिखवाऊंगा। जैसे आपको दे रखा है इसकी ये वाली साइड इसकी रूट थ्री है, इसकी ये वाली साइड क्या है वन है, तो अगर आपको मान लीजिए इसमें सी निकालना हो तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसमें यानी रूट थ्री का स्क्वायर प्लस नीचे वाली साइड का स्क्वायर वन का स्क्वायर है, तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री, वन का स्क्वायर होता है वन, इक्वल कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा रूट फोर, तो सी बराबर आपके पास में आ जाएगा टू आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास में यहाँ से क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी टू आ जाएगी। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आपको इन तीन में से कोई भी दो साइड देगा, एक आप अपनी निकाल सकते हैं, इन तीन में से कोई भी दो आपको देगा और आप तीसरी निकाल सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करें। ऐसे हम दो तीन एग्जांपल और करेंगे, फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है और उसी के ऊपर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपने याद कर लिया तो आपके वो हर जगह काम आएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो आपके ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में भी काम आएंगे, इसमें भी काम आएंगे। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बस आपको याद रखना कि ये ऐसे ऐसे होता है, पोटेंशियल का स्क्वायर बराबर ये होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें, जैसे ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और मान लीजिए आपको इधर रखा है एक्स है, एक बार सिंपल वाले लिख लेते हैं इसमें, जैसे ये पांच है ये तेरह है, तो बताओ कि ये साइड कौन सी होगी, ये साइड यानी x बराबर क्या होगा, ये मान लेते हैं x है, तो हमसे पूछा कि फाइंड x, यानी x का मान आपको निकालना है। हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी 90 डिग्री सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो 13 का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, तो 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस x स्क्वायर, तो ये 25 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144 आ जाएगा, इधर कितना है एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है वो दूसरी साइड में जाकर रूट में लग जाएगा, इसकी पावर अगर इधर 2 है तो इधर उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, इधर पावर अगर 4 है तो उस साइड में जाके 1/4 हो जाएगी, पावर है वो रिवर्स हो जाती है, अगर सपोज इधर रूट है तो इस साइड में आएगा तो पावर डबल हो जाएगी। डबल कैसे हो जाएगी, जैसे पावर इधर, थोड़ा सा मैं चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए 144 बराबर कितना है एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी 2 है, इस साइड में जाएगी इसको उल्टा कर दो, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा रिवर्स में आ जाएगा, अगर इधर पावर कितनी है एक्स पावर 4 है, इस साइड में जाएगी तो पावर 1/4 हो जाएगी,
अगर इधर पावर इसकी एक्स की पावर 1/2 है, 1/2 है तो इसको रिवर्स कर दो, 1 तो आएगा तो 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, इसलिए क्या हो जाएगी यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी। ऐसे जब पावर ये चेंज होती है ना तो रिवर्स हो जाती है, तो 1/2 को जब उल्टा करोगे ना तो 2 ऊपर चला जाएगा इसमें। तो यहाँ पर x बराबर आपके पास में आएगा 144 है, तो x का मान कितना आएगा 12 आ गया, तो x का मान आपके पास में यहाँ से कितना आएगा 12 आएगा। तो ये आप नोट कर लें, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं तो मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट ही लिखवाऊंगा। तो ये तो क्या कहलाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर इनको देखा, अब मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको सारे लिखवा देता हूँ। जैसे क्या होता है कि इसकी एक साइड मान लीजिए कितनी है 5 है, एक साइड कितनी इसकी 12, तो ये कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। अगर इसकी एक साइड 3 है, दूसरी साइड कितनी इसकी 4 है, तो एक साइड इसकी 5 हो जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनको बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट बोला जाता है। जैसे एक साइड इसकी 5 होती है, एक 12 हो जाएगी, एक 13 हो जाएगी, एक साइड इसकी 7 होती है, एक साइड इसकी 24 है, तो एक साइड इसकी 25 हो जाएगी। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, इसको ऐड करोगे 9 6 15 बचा कितना 1, 11 1 12 बचा कितना 1 625, ये किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है। इन्हें बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्या बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसकी टेबल मैंने बना रखी है, ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इनको आप नोट डाउन करिए, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी ये ऐसे नंबर हैं जिसके अंदर ये या आपको याद हो जाएंगे आसानी से, और यही रिवाइज होते रहते हैं मोस्टली, जो 99% है वो यही जो संख्या वो रिवाइज होती रहती है। तो इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़े, आपको अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है उसकी दो साइड दे रखी है 12 और 13, तो तीसरी साइड आपको ऑटोमेटिक पता होनी चाहिए क्या होगी 5 ही होगी, ठीक है। तो ये वाला जो इसमें बड़ी वाली संख्या हाइपोटेनस है, इसमें याद रखना जो बड़ी वाली नंबर है 5 है 13 25 है, ये क्या हाइपोटेनस है याद रखना आप, ये इसमें क्या होगा हाइपोटेनस होगा, ये इसमें क्या होगा हाइपोटेनस होगा। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले, एक बार आप वीडियो पॉज करें नोट डाउन कर ले, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये बाद वाले तो काफ़ी कम यूज होते हैं, स्टार्टिंग वाले ज़्यादा होते हैं, 3 वाले 4 वाले 5, फिर 5 12 13 है, 7 24 25 है, 8 15 17 है, 11 60 61 है, 12 35 37 है, और ये 20 21 29, ये भी बहुत काफ़ी यूज होता है, 20 21 29 ये काफ़ी यूज होता है इसमें, 20 है 21 29 है इसका काफ़ी यूज होता है। तो ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं इनको आप नोट कर लो, और यही रिपीट होते रहते हैं। यही रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर ले। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास थी, इसमें बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें एंगल व साइड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर हमने जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं और तीनों साइड का अलग अलग नाम होता है, एक होती है उसमें हाइपोटेनस कर्ण, एक होता है परपेंडिकुलर लंब, एक होता है बेस आधार है। तो तीनों को मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है। फिर बात करते हैं परपेंडिकुलर, तो जो एंगल आपसे पूछा गया है उसके ऑपोजिट साइड क्या होता है लंब होता है, परपेंडिकुलर है, और जो तीसरी साइड बचेगी वो क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी आधार। फिर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे बोलते हैं रेशियो बोलते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं साइन कोस टेन, फिर इनके तीनों के रिवर्स उल्टे, साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का होता है सेक और टेन का होता है कोट है, ये इनके क्या होते हैं रिवर्स होते हैं आपस में, मैंने आपको बताया भी था एग्जाम्पल से कि कैसे कैसे होते हैं। फिर इनका मान कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, इनका मान कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस वाला, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले या फिर लाल बटे कक्का है, तो साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ऐसी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमारे पास में हमने पढ़ा था कि जब हमें, या तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों चीज़ दे रखी हैं कि बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है हाइपोटेनस क्या है, तो वहाँ से हमने प्रैक्टिस की। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें ना दे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल किया था, एग्जांपल ये किया था कि हमें दे रखा था कि टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा बराबर है जैसे 12/5 है,
तो यहाँ पर हमें दो ही साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी। तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट की सहायता से या फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है। फिर कुछ फेमस क्या थे पाइथागोरस ट्रिपलेट थे जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है। ये क्या है फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसके अलावा भी कुछ बचते हैं, ये तो वो है जो नंबर वाले हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू हमें दे रखी है। कई बार हमें वेरिएबल्स दे देता है, ए बी सी डी पी क्यू आर एम एन है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिर इसके ऊपर बेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और पिछले दो तीन साल में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा पर्सन पूछे गए हैं। किसके ऊपर? ये जो फॉर्मूला है ना साइन बराबर लंब बटे आधार कर्ण, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सन पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।